सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप व्हाट्सएप पर किसी से भी इंग्लिश में चैटिंग कर सकते हो, यानी आप व्हाट्सएप पर इंग्लिश में कैसे बात कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि सामने वाला बंदा हमें व्हाट्सएप पर इंग्लिश में मैसेज भेजता है और दोस्तों हमें मैसेज समझ में नहीं आता है, हम मैसेज को पढ़ नहीं पाते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है, क्या लिखकर सामने वाले बंदे ने हमें भेजा है। तो दोस्तों अब आप बहुत ही आसानी से इंग्लिश मैसेज को हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हो, इंग्लिश मैसेज का रिप्लाई आप इंग्लिश में कर सकते हो। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ज़रूरी है। अगर आप भी व्हाट्सएप पर इंग्लिश में चैटिंग करना चाहते हो, बात करना चाहते हो, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कॉमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप WhatsApp पर इंग्लिश में चैटिंग कर सकते हो, ठीक है। सिंपली हम WhatsApp को ओपन करते हैं, क्योंकि दोस्तों काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि सामने वाला बंदा हमें WhatsApp पर इंग्लिश में मैसेज करता है और दोस्तों हमें समझ में नहीं आता कि आखिर इसका मतलब क्या है, आखिर ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, हमें एक मैसेज इंग्लिश में आया हुआ है, ठीक है। हमें नहीं पता है कि आखिर इसका मतलब क्या है, क्या लिखकर भेजा गया है, ठीक है। तो दोस्तों अब आप बहुत ही आसानी से इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके इसका मतलब समझ सकते हो और दोस्तों आप इसका रिप्लाई इंग्लिश में कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है हाई ट्रांसलेट, ठीक है। आपको यहाँ से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। आप देख सकते हो 100 मिलियन से भी ज़्यादा बार इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया जा चुका है, 4.3 की काफ़ी अच्छी रेटिंग है। तो दोस्तों ऑलरेडी मैंने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रखा है, चलिए मैं आपको इसके सेटअप के बारे में बताता हूँ। दोस्तों जब आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन करोगे, ठीक है, आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का यूजर इंटरफेस मिलेगा, ठीक है, इसका होम पेज मिलेगा। अब आपको कुछ परमिशन अलाउ करने हैं एक एक करके, ठीक है। आपको इस एप्लीकेशन का परमिशन अलाउ करना है, आपको नीचे स्क्रॉल करना है, आपको मिलेगा हाई ट्रांसलेट, आपको यहाँ से इसको अलाउ कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने परमिशन को अलाउ कर दिया है। अब दोस्तों आपको लेट्स गो पर टैप करना है, ठीक है, ओके गॉट इट। तो दोस्तों यहाँ पर जो सेटअप है वो कंप्लीट हो चुका है, ओके। अब दोस्तों आपको WhatsApp को ओपन करना है, मैसेज को ओपन करना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक कर्सर शो होगा, ठीक है, आपको इसको लेकर मैसेज पर छोड़ देना है, ठीक है। जहाँ पर आप छोड़ोगे दोस्तों वो मैसेज ऑटोमेटिक हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, हमने कर्सर को मैसेज पर ले जाकर छोड़ दिया है और हमारा जो मैसेज है वो ऑटोमेटिक हिंदी में ट्रांसलेट हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह आप बहुत ही आसानी से इस कर्सर से इंग्लिश मैसेज को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह आप मैसेज का मतलब हिंदी में समझ सकते हो। अब बात आती है कि कैसे हम इंग्लिश मैसेज का रिप्लाई इंग्लिश में करेंगे, ठीक है, यानी इंग्लिश में चैटिंग कैसे करेंगे। जैसे मान लो कि सामने वाले बंदे ने हमें बोला है हाउ आर यू, ठीक है, तो आई एम फाइन हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, मतलब उसका रिप्लाई हम कैसे देंगे, ठीक है। जैसे हाउ आर यू, आप कैसे हो, मैं अच्छा हूँ, ठीक है, इसका जो आंसर होगा मैं अच्छा हूँ, ठीक है, इसको इंग्लिश में लिखना है, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में चैटिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों इसको करने के लिए आपके फ़ोन में एक कीबोर्ड होगा जिसका नाम है जी बोर्ड, ठीक है, आपके फ़ोन में ये वाला कीबोर्ड जरूर होगा। आप इस कीबोर्ड की मदद से किसी से भी इंग्लिश में चैटिंग कर सकते हो। कैसे कर रहे हैं दोस्तों, आपको ऊपर काफ़ी सारे कीबोर्ड में ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है, आपको सिंपली ट्रांसलेट वाले ऑप्शन पर टैप करना है, ओके। अब दोस्तों आपको यहाँ पर ट्रांसलेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है, आपको इसको चेंज कर देना है, हिंदी टू इंग्लिश कर देना है, ठीक है, हिंदी टू इंग्लिश कर देना है। अब आप कुछ भी हिंदी में लिखोगे, आपका जो हिंदी मैसेज है वो ऑटोमेटिक इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। जैसे सामने वाले बंदे ने हमें लिखकर भेजा है हाउ आर यू, आप कैसे हो, अब हमें लिखना है मैं अच्छा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर हम मैं अच्छा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, हमने हिंदी में लिखा है मैं अच्छा हूँ, ठीक है, ऑटोमेटिक ट्रांसलेट हो चुका है। अब आप इसका रिप्लाई कर सकते हो, ठीक है, आप इस तरह लिखकर इंग्लिश में भेज सकते हो। तो दोस्तों ये जो तरीका है काफ़ी मज़ेदार तरीका है, आप बहुत ही आसानी से सामने वाले बंदे के मैसेज को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो, उसका मतलब समझ सकते हो। और आप इस ट्रिक को यूज करके,
यानी जीबोर्ड के ट्रांसलेशन फीचर को यूज करके इंग्लिश मैसेज का रिप्लाई इंग्लिश में कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हाउ योर डे इज गोइंग, ठीक है, यानी आपका दिन कैसा गया। तो यहाँ पर हम इसका रिप्लाई करेंगे, आज का मेरा दिन अच्छा गया, आज का मेरा दिन अच्छा गया। तो दोस्तों अब आप यहाँ पर देख सकते हो, हमने मैसेज को हिंदी में टाइप किया, ठीक है, वो ऑटोमेटिक इंग्लिश में ट्रांसलेट हो चुका है। आज का मेरा दिन अच्छा गया, आई हैड ए गुड डे टुडे, ठीक है। तो इस तरह आप किसी भी इंग्लिश मैसेज का रिप्लाई इंग्लिश में कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस बनाता रहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।